नमस्ते फैमिली, स्वागत है आप लोग का मेरे ब्लॉग में। और आज मैं आपका स्वागत कर रही हूँ अपने फ्रिज के साथ, अपने किचन में। जी हाँ, फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, नाश्ता बन गया है हमारा। और सप्ताह दो सप्ताह में तो हम लोग अपने फ्रिज की सफाई करते ही है ना। देखिए, ये सुसुम पानी का मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, वो पानी लिया है। इसमें मीठा सोडा डाला है 2 चम्मच और सूती कपड़ा है। इसी से मैं फ्रिज की सफाई करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, देवर जी तो अभी नहा रहे हैं, उनको दुकान जाना है। यहाँ राजवीर देखिए उठ गया है, ब्रश कर लिया है और कार्टून देख रहा है, ड्राई फ्रूट खाएगा, अभी दूध पिएगा। मतलब वही रूटीन अब सुबह का चल रहा है। और आप लोग फैमिली पूरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। अभी बज रहे हैं 11:30 और सारे गर्म कपड़े तो धो दिए थे हमने, पर कुछ कपड़े थे क्योंकि मौसम कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा था, तो आज भी धुलाया है। देखिए सब धुला के देखिए, धूप में डाला है हमने, बट आज धूप है ही नहीं हमारी रांची में। अच्छा, ऐसा आप लोगों के साथ होता है क्या? जिस दिन आप चाहिएगा ना कि धूप अच्छी रहे, ये सब सुखाना है, उस दिन धूप नहीं रहेगी। तो ये सारे कपड़े धुल चुके हैं, देखिए आज थोड़ा सूख जाएगा। ऐसे ऊनी कपड़े रखेंगे हम लोग तो उसमें अच्छी तरह से धूप लगा के हम लोग रखते हैं ना, तो अगर आज धूप नहीं निकला तो कल फिर धूप लगा के उसको रखेंगे। राजवीर आ गया अपने बैट बॉल के साथ खेलेगा। अभी बजने वाले हैं दिन के 3। हमारा राजवीर खा रहा है खाना, थोड़ा लेट हो गया। और खाने में क्या खा रहा है देखिए आप लोग। माड़ भात खा रहा है राजवीर। जो हम लोग चावल बनाते हैं ना बर्तन में, ऐसे कुकर में तो बनेगा तो माड़ निकल नहीं पाता है, लेकिन अगर तसला जो बोलते हैं पतीला, तसली में हम लोग बनाते हैं, वो तो आप तो देखते ही हैं, मैं बनाती हूँ चावल से। तो इसने आज बोला चावल बनाते समय, बड़ी मम्मी माड़ निकाल देना, आज माड़ और भात खाऊंगा। देखिए खा रहा है, अच्छा लग रहा है राजवीर, टेस्टी लग रहा है। और साथ में धनिया की चटनी है। हाँ, इसमें थोड़ा घी और नमक डाल दिए हैं। हाँ, तो ये है कि टेस्टी भी हो गया और बहुत पौष्टिक भी होता है माड़ भात। कभी कभी खाना चाहिए, हम लोग भी बहुत खाए हैं माड़ भात। बच्चों को तीखा भी नहीं लगेगा, खा भी लेगा। हाँ, क्यों राजवीर? खाओ फैमिली। अभी शाम हो रहे हैं, 5:30 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। और देखिए हमसे मिलने कौन आई है, हमारी बेटी आई है, मामी जी हैं, रिशु है, रिशु है। और बारिश हुई है तो मौसम हो गया है समोसा खाने वाला, तो हम लोग देखिए समोसा खा रहे हैं, हम लोग सब खा रहे हैं समोसा और जलेबी। गरम गरम जलेबी समोसा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना मामी? बारिश हो गया ना, खाने में अच्छा लग रहा है। बेटी खा रही है बेटा, एक बार ऐसे ऐसे करो बेटी, ऐसे ऐसे करो, मिल लो फैमिली से। अरे लाइट आ गया बेटी, लाइट आ गया, देख रही है लाइट। आज पहली बार रिद्धि हम लोग से मिलके नहीं रोई ना, अब धीरे धीरे पहचान रही है, अब रिद्धि बड़ी पहचान गई है, बड़ी हो रही है ना रिद्धि, बड़ी हो गई। तुम लोग गेम खेल रहे हो, पहले खा लो ना, पहले खा लो बेटा। 7,000 का तो ट्रिक देखो, 7,000 तुम लोग बैठ के खेलो ना आराम से। रिशु बैठ जाइए, बैठ के खेलिए। खाली बेटी, छोटे पापा हैं, छोटे पापा, छोटे पापा कौन है बाबू, कौन है पापा, बोल दो एक बार, बोल दो छोटे पापा। चले गए, गया गया। फैमिली अभी बज रहे हैं 8:30, यानी रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो चावल पीछे बन रहा है, तो पीछे क्यों बन रहा है आप लोग समझ गए होंगे, पीछे मटर भी बन रहा है, आटा गूंथ लिया है। और यहाँ पे देखिए मेरा ट्राइपॉड, मैंने एक दो शॉट भी बनाया और पीछे हमारा मटन बन रहा है। थोड़ा लेट हो गया, मामी जी लोग आए ना तो हम लोग बैठ गए बातें करते। बना रही है पीछे, देखिए तुम क्या कर रहे हो बिटू इधर। वाह राजवीर, यहाँ देखिए टेबल लिख रहा है, वाह मेरा बच्चा। यहाँ देखिए मटन बन रहा है, चावल बन रहा है। और मेहंदी वाली को फोन किया है हमने, जो मेहंदी लगाती हैं, कल वो आएंगी सुबह, कर दिया फोन ठीक ना। हाँ। कल आ जाएगी 11 बजे, मेहंदी लगवाएंगे और परसों आप लोगों को पता चलेगा। जो खास दिन है ना, नहीं बारह क्या है, जो खास दिन है ना उसके लिए हम लोग को मेहंदी लगवानी है, तो उसको भी फोन कर दिया है, कल 11 बजे आएगी वो। और फिर माँ पापा का टिकट का भी ऐसा हुआ ना, पतिदेव ने बताया अभी दोपहर में आए थे ना खाना खाने, तो बता रहे थे कि माँ पापा परसों आएंगे, यानी उसी दिन, जो खास दिन है उसी दिन आएंगे, लेकिन आ जाएंगे, आना भी जरूरी है माँ पापा का।
तो आप लोग फैमिली ब्लॉग्स के साथ बने रहिएगा। मैं सच कह रही हूँ, जितनी खुशी मुझे शेयर करके होगी आप लोगों को भी देख के उतना ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं कल फिर सुबह। आज है मंगलवार, बज गए हैं सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और पूजा हो गई हमारी। और देखिए आज नाश्ते में हमारे यहाँ क्या पतिदेव खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं। कचौड़ी खाइए। हम लोग खाएंगे ढुसका, रांची झारखंड का फेमस ढुसका जो राजवीर को बहुत पसंद है। तो हमने सोचा ना सुबह नाश्ता वही करते हैं। राजवीर, राजवीर ढुसका आ गया, आ जाओ। हाँ ट्यूशन जाना है तो खा के जाओ। बोल नहीं रहे इसको, कब बोले कि खा के, चलो ना मेरे साथ खा लेना, खिला देगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसे ट्यूशन जाना है, आराम से खाएगा। हमारी नीलम भी आ गई काम करने। और देखिए ये है हमारा गर्मा गर्म ढुसका, देखिए फैमिली, जो बनता है उड़द दाल और चावल से, उसके घोल से बनता है। और उसके साथ ये सब्जी है, आलू और चने की सब्जी है। और वो दरवाजा इसलिए बंद था ना, पिंकी अभी नहा के गई है। तुम भी आ जाओ पिंकी, जल्दी पहन के गर्म गर्म खा लो। बाबू तो जाएगा अभी ट्यूशन, वहां से आके वो खाएगा, उसका रख देंगे कैसर में, गर्म रहेगा। तो चलिए खाते हैं क्या नीलम, रांची का फेमस ढुसका और सब्जी। कभी कभी मंगवा के हम लोग खाते हैं, मन करता है तो। ये देखिए हमारा ढुसका और ये चने और आलू की सब्जी और लाजवाब टेस्ट। सब्जी में अदरक लहसुन धनिया पत्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। जब भी आप लोग रांची आइए तो यहाँ का ढुसका जरूर खाइए, ढुसका और सब्जी तब जरूर लोग मंगवा के खाते हैं। जाओ लेट हो जाएगा, एग्जाम के बाद छुट्टियां हो जाती है ना, ट्यूशन भी नहीं जा रहा था तो आज जा रहा है, थोड़ा रो रहा था ये, फिर वहां जाएगा तो ठीक हो जाएगा। नाश्ता करके मैं इंतजार कर रही हूँ काजल का, काजल आएंगी तो मेहंदी लगाएंगी। 11 बजे से टाइम दिया था उन्हें, 11:15 हो गया है। तुम भी नाश्ता करके रेडी रहो। हाँ देखिए ना बहुत बहुत मम्मी, तुम इसको फूलो चढ़ाए चलो, ऐसे ही था। हाँ करो, ठंडा हो जाए नहीं अच्छा लगेगा। अरे आज का कैसोल में ही रहने देना, गर्म रहेगा। और चावल तो लेट से बनाना है क्योंकि माँ पापा है नहीं, पापा तो एकदम 1 बजे खा लेते हैं, लेकिन देवर जी 2 बजे खाते हैं, हम लोग को खाते खाते 3:30 बज ही जाता है। तो चावल लेट से ही बनाऊंगी, इसलिए सोचा पहले मेहंदी लगवा लूँ, बस काजल आ जाए फिर मेहंदी लगवाएंगे। और वो खास दिन कल ही है फैमिली, कल वेडनेसडे है ना, तो उसका भी ब्लॉग आएगा। बज गए अभी दिन के 12:30, हमारी मेहंदी अभी तक नहीं लगी है देखिए, क्योंकि उन्होंने धोखा दे दिया। सॉरी लिख के मैसेज किया आपको, अचानक से कहीं जाना पड़ा, फिर हमने पार्लर फोन किया यहाँ नज़दीक के ही पार्लर में, वहाँ से एक आ रही हैं वो लगाएंगे हमें मेहंदी। और यहाँ राजवीर भी आ गए हैं ट्यूशन से, खा रहे हैं ढुसका, खा चुके हैं लगभग, अभी तक मूड ठीक नहीं हुआ है। राजवीर राजवीर अच्छा ये बताओ, इधर इधर देख के बताओ, तुम क्यों रोने लगते हो बेटा, ज्यादा दिन हो जाता है इसीलिए। आज नहीं बोलेगा राजवीर, राजवीर आज नहीं बोलेगा राजवीर, ऐसे कहेगा। तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम लोग, मेहंदी लगवाना है तो मैंने सोचा तब तक चावल ही बना लूं। चावल बन रहा है हमारा, देखिए कुछ देर में आएंगी फिर हम लोग मेहंदी लगाएंगे। तो देखिए फैमिली ये है रोशनी, ये आई हमें मेहंदी लगाने के लिए। चलिए रोशनी लगाइए। फैमिली मेरी मेहंदी तो लग गई, अब पिंकी लगवाएगी, लगवा उसको ऑर्डर करके लगवा लो।
में अभी रात के 8:30 बजने वाले, हमारे किचन में चल रही है रात के खाने की तैयारी। और मेहंदी दिखाओ पिंकी, हमारी मेहंदी देखिए इतना, हम लोग इस हाथ को बचा बचा के काम कर रहे हैं, ज्यादा पानी वगैरह नहीं छू रहे, कल इसका कलर और अच्छा आएगा। नहीं अच्छा है उसका हस्बैंड को बताएंगे क्यों नहीं अच्छा आएगा कलर, बेचारे हस्बैंड की खैर नहीं ना मजाक कर रही है, तो आप सोच आप लोग समझ ही गए होंगे मजाक कर रही है लेकिन कुछ लोग सीरियसली ले लेते हैं, कभी कभी बोलते हैं ऐसी बोलती हो ऐसी करती हो, इसलिए तो इस हाथ को बचा बचा के हम लोग काम कर रहे हैं कल के फंक्शन के लिए। कल ही वो फंक्शन है, तो अभी मैं इस वीडियो को एडिट करूंगी, कल सुबह अपलोड करूंगी और फिर कल का जो ब्लॉग है वो बहुत जल्द आप लोग साथ शेयर करूंगी। जितनी जल्दी आप लोगों को देखने की रहेगी ना, उतनी जल्दी मुझे भी वीडियो एडिट करके आप लोग साथ शेयर करने की जल्दी रहेगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग उसी खास ब्लॉग के साथ, तब तक प्लीज अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और जो नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।